हाय गाइस, तो आज हम बना रहे हैं ब्रेसलेट। इसमें हमें चाहिए बहुत सारे रबर्स इस साइज के और कुछ टूटे रबर्स, लगभग 5 से 6। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए, हमें पहले क्या करना है, ये एक रबर है, हमें इसे ऐसे कर देना है और फिर ऐसे करना है। उसके बाद दूसरा रबड़ ऐसे लेना है। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, रबर्स बहुत छोटे हैं तो साइज के ही लेने। देखिए ये ऐसे बना। अब हमें दूसरा रबर लेना है और उसे फिर ऐसे करना है, फिर उसे ऐसे करना है। ऐसे करते करते हमें इस पर को देख दी, नीचे देखो ना। तो चलिए बनाते हैं। इसके साथ साथ अब सीख भी लेंगे, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप नहीं कर रही। देखिए ऐसे बनाते हैं। देखिए अब क्या कर रही हूँ, देखिए ये ऐसे स्ट्रेच होते बना है। जब बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे ऐसे तो ये ऐसे बना। अभी हमें सारे रबर्स को ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ तक रेडी हो गया। अब बस हमें कुछ और रबर्स और लगाने हैं। ये जानवर दिख रहा है, तो देखिए बस कुछ और। ये बहुत इजी है, आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इतना तक रेडी हो चुका है, थोड़ा कुछ और रबर्स लगा देते हैं। लास्ट में बस 2-3 रबर छूटने चाहिए। देखिए अब बस 3 रबर छूट रहे हैं, तो हमें
इतनी लंबाई तो ठीक है क्योंकि ये रबर स्ट्रेच भी बहुत करते हैं। देखिए इतने लंबे हैं। अब हमें ऐसे करना है, ऐसे कर दिया। और जो हमारे टूटे रबर्स हैं हमें उनमें से एक लेने हैं, और ये जो ये है उनमें बांध देने हैं ताकि इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज यही होती है कि इसमें गांठ लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तुमने कम से कम 2 से 3 लगाने, मैंने 2 लगाए हैं क्योंकि छोटे रबर्स थे। तीसरा लगाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं लगता तो छोड़ देंगे। अगर 3 लगाते हैं तो मजबूत बनता है, वरना 2 लगाने से इसकी गांठ खुल जाती है। देखिए अब इसके ये खुलेगा नहीं, इसमें मैंने ही लगा दिया है। अब स्ट्रेच भी बहुत कर रहा है तो हम एक और रबर लेंगे। रबर कोई सा भी हो सकता है तो मैं रेड चूज करती हूँ क्योंकि इसमें रेड ज्यादा है। देखिए तो देखिए हमने ये लिया, ये इसके अंदर एक के इसके एक के अंदर घुसा दिया। और उसके बाद जब हमें इसे ऐसे करना है तो इसके ये येलो वाले में घुसा देंगे। तो देखिए अब हमें इसे गांठ बांध देनी है, उसके बाद ये तैयार पूरा हो जाएगा। मैंने गांठ लगा दी है, समय ठीक से करो। तो गाइस देखिए मैंने इसमें 3 गांठ लगाए हैं और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पहन के दिखना है, ये पूरा ढीला ढाला है। देखिए
बस आपको इसे थोड़ा स्ट्रेच करना है अब। थोड़ा स्ट्रेच कर दिया एंड नाउ इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो? तो देखिए इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नाउ। तो ये आज का हमारा ब्रेसलेट बना है। अगली वीडियो में आपको बनाना दिखाएंगे ऐसा ही रिंग। तो गाइस हमारे साथ बनते रहिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।